राजों से लेकर आराध्य तक, सिंघम से लेकर ससुराल सिमरका तक, मिलियन डॉलर गर्ल से कृष्ण दाती तक, सना अमीन शेख ने टीवी की दुनिया में एक लंबी पारी तय की है। आज सास बहू और बेटिया संग सना ने बिताया अपना पूरा एक दिन। हमारे साथ ब्रेकफास्ट बनाया, चाय बनाई, अपनी मम्मी से मिलाया, अपना घर दिखाया, अपने राज खोले, अपने सेट की छटा दिखाई और बिताया एक क्वालिटी टाइम। इसी के साथ कुछ ऐसे पल जो उनके सीरियल कृष्णदासी में आपको नहीं दिखेंगे, आज दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। तो चलिए करते हैं सना के साथ डे आउट की शुरुआत और चलते हैं उनके घर उन्हें कहने गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सेम टू यू। कैसा लग रहा है सना, सास बहू और बेटिया आपके साथ है, आप पूरा दिन हमारे स्पेंड करने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े से नर्वस हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसी कौन सी और बातें आपको पता चल जाएगी जो मैं शायद ना दिखाना चाहूँ, कि मैं क्या करती हूँ, मैं कितना खाती हूँ दिन भर में, तो ऐसी सब बात। सना अपने दिन की शुरुआत करती है चाय के साथ। ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो मैं सुबह में जल्दी जो बन जाए एक ऑमलेट और मैं ब्रेड कैरी कर लेती हूँ, अगर टाइम नहीं होता है तो मैं उसको साथ ले जाती हूँ। इनफैक्ट मेरे बास्केट में हमेशा एक टोस्टर होता है और उसको सुबह सुबह टोस्ट करते मेकअप करते करते वो खा लो, या फिर बाल बनाते बनाते वो खा लो, तो इट्स वेरी फास्ट। और शूट पर भी मेरा टोस्टर बड़ा मशहूर हो गया, मतलब मैं, हमारे डायरेक्टर हैं उनको पता है कि मैं मियाओ सैंडविचेस कभी कभी लाती हूँ, तो वो उसको मियाओ कहते हैं और वो हमेशा आवाज़ देते हैं चलो मियाओ का टाइम हो गया, तो मेरा जो बॉय है जो मेरे साथ रहता है वो जाएगा जल्दी जल्दी सबके लिए सैंडविचेस बनाएगा और लेके जाएगा, सो इट्स फन। यूजुअली हम बहुत एक्चुअली चाय मेरी बन चुकी है। चाय के बाद वो बनाती है खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट और आज वो बना रही है एक खास डिश। और अगर आप मटके का पानी पी लेते हैं ना तो यू फील वेरी 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 फ्रेश, लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा कि वो असली लाल मिट्टी का बना हुआ हो। ब्रेकफास्ट और चाय के बाद सना ने अपना बास्केट पैक किया। मैं आई लव माय प्लेट, बहुत लोग तारीफ करते हैं मेरी प्लेट की, इसके कंपार्टमेंट्स बड़े क्यूट हैं, और ये मेरा मग बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज पूरा दिन चाय कॉफ़ी हम ठहरे देसी लोग, चाय कॉफ़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ है हमारी। माय सिस्टर्स गिवन मी दिस, मेरे बर्थडे पे उसने दिया था और बहुत प्यार से रखा है मैंने उसको संभाल के। ब्राउन ब्रेड रखा है, मेरा टोस्टर जैसे मैंने बताया था आपको कि एक टोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड फाइनली ये मेरा डब्बा जिसमें दाल गोश्त, ब्राउन राइस एंड क्या है, हाँ आलू की टिक्की विच इज़ अगेन मेड ऑफ ब्राउन राइस, थोड़े फ्रूट्स रखे हैं मैंने मेरे पिंक कलर की क्यूट सी बास्केट में। तो अभी ये मेरा सामान हो चुका है, मैं जाके अपना मेकअप वगैरह पैक करती हूँ और हम मिलते हैं नीचे डायरेक्टली गाड़ी के पास। और हाँ, यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए उनकी मम्मी भी है। मम्मी आई हुई है और तो मम्मी ने बड़ा हेल्प किया मुझे खाने वाने बनाने में, जो आपने दाल गोश्त देखा था वो मेरी मॉम ने बनाया हुआ है, एंड या दैट्स इट, ये मेरा घर है, दैट्स इट, अंदर बेडरूम है। टेडी बेयर। हाल ही में सना ने शादी रचाई थी, लेकिन उनके पति के अलावा कोई और भी है जिसने उनका दिल चुरा लिया है। फेब को वैलेंटाइंस डे तो होता ही है, वो तो है ही नॉर्मल सा एक प्यार का दिन हमारा, नॉर्मल सा नहीं मतलब वैलेंटाइंस डे तो होता ही है, वापस से लेती हूँ, 14th February वैलेंटाइंस डे तो होता ही है, लोग बड़ा प्यार व्यार मनाते हैं, खूब प्यार बांटते हैं और दर्शाते हैं, तो 14th February वॉज स्पेशल फॉर मी बिकॉज मेरी शादी को एक महीना कम्प्लीट हुआ था, सो दैट वॉज मोर ऑफ एन एनिवर्सरी, वन मंथ एनिवर्सरी फॉर मी। सो व्हेन आई केम होम, यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी एंड बहुत अच्छे से इसको सजाया गया था और इसे रखा गया था, आई लव पिंक, सो माई हस्बैंड गॉट मी अ बिग ह्यूज पिंक कलर टेडी बेयर, एंड मैं अंदर आई शूट के बाद एंड ही हैड ऑलरेडी पैक्ड अप, तो वो मुझसे पहले आए, मैंने आके देखा तो एक बड़ा सा सरप्राइज मेरे लिए था। उस दिन से वो आज यहीं पर, आज तक वो वहीं बैठा है, उसको हमने हिलाया नहीं है, वो वहीं बैठा है। टेडी बेयर टर्न अराउंड।
टेडी बेयर टेडी बेयर टच द ग्राउंड टेडी बेयर टेडी बेयर टर्न अराउंड। मैंने जानबूझ के पिंक वॉल्स किया, मुझे पिंक बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को बेचारे को उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि हाँ चलो ठीक है पिंक कर देते हैं। सना की बास्केट तैयार है और सना भी तैयार है हमारे साथ चलने के लिए कृष्णा दासी के सेट पर। चूंकि सना का घर है मीरा रोड में, उनका सेट भी वहीं मीरा रोड में है। उन्हें घर से सेट तक लगते हैं पूरे 10 मिनट, लेकिन सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड लकीली मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पर जब तेरे शहर में मैंने ज्वाइन किया था। तेरे शहर में ख़त्म हो गया, 2 महीना ही मैंने उनके साथ काम किया। एंड उसके बाद जो मेरा नया सेट लगा कृष्णा दासी का, मैं बड़ी सरप्राइज हुई। वो उसी सेट को डिसमेंटल करके हमारा सेट लगाया गया, कृष्णदासी का सेट। सो आई वाज लाइक वाओ दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग। सो मैं बहुत पास रहती हूँ, हम अपने आपको टाइम करते हैं अभी 1:50 को हम निकले हैं, 11:50 को हम निकले हैं। सुबह के 11:50 को हम यहाँ से निकले हैं मेरे घर से। देखते हैं हम कितने बजे पहुँचेंगे। सिंस आई एम ड्राइविंग आईड लाइक टू गो लिटिल स्लोअर, सो थोड़ा टाइम 5-7 मिनट इधर उधर हो सकता है। घर से सेट तक के सफर में सना ने अपनी लाइफ की कहानी सुनाई। सोनी पे एक शो था जीत जाएंगे हम, जो बाल मजदूरी पे चाइल्ड लेबर पे था, जहाँ पे बच्चों को पकड़ के उनके हाथों से चूड़ियाँ बनवाते हैं। सो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, आई वाज रियली रियली यंग एंड उसमें मुझे लीड ले रहे थे वो लोग। कैसे वो आरजे से बनी फिल्म एक्ट्रेस? आई थॉट आई विल क्विट टेलीविजन। मैंने कहा अगर टीवी ऐसे काम करता है तो मैं काम करूंगी नहीं, मुझे करना ही नहीं है। एज इट इज आई एम नॉट वेरी एंबिशियस इन लाइफ, मैं बहुत ज्यादा ऐसा कोई मेरे ड्रीम्स नहीं है कि मुझे स्टार बनना है, बहुत कुछ काम करना है वाला है। लेकिन हाँ मुझे अच्छा काम करना है, नोटिस होना है ज़रूर। अपने काम से सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे आराम भी चाहिए, और इसलिए मैं काम करती हूँ और पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, हेल्दी रहना चाहती हूँ इस वजह से। सो आफ्टर दैट मैंने क्विट किया तो मुझे सिंगम ऑफर हुई। सिंगम के लिए रोहित शेट्टी की एडी का फ़ोन आया कि रोहित सर के बच्चे ने शायद डिज्नी पे शो देखा था तुम्हारा, एंड रोहित सर ने ऐसे देख लिया और उन्होंने कहा कि लेट्स कॉल हर फॉर एन ऑडिशन। और फिर बनी टीवी सीरियल्स की अभिनेत्री। फाइनली गुस्ताख दिल मुझे उस टाइम पे ज़्यादा अपीलिंग लगा, मुझे लगा ये ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर है, जबान अलग है, बिहारी कैरेक्टर, राजू का कैरेक्टर वाज जस्ट आई थॉट कि इट वाज टू स्पंकी टू क्वर्की। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप हमको ना गले लगा कर स्वीकारेंगे, स्वागत करेगी हमारा, वादा है हमारा आपसे। सना खुद कार ड्राइव कर रही है और साथ साथ रेडियो पे गाने भी सुन रही है। भाई वो आरजे जो रह चुकी है, मुझे पुराने गाने पसंद है लेकिन मेरे ड्राइवर को नहीं पसंद। वो हमेशा सेट पे जाके कंप्लेन करता है कि मेरे सर में दर्द कर देती है मेरी मैम। वो पुराने गाने सुनती है रास्ते पे, या तो पुराने गाने या तो 90s के रोमांटिक गाने। आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स, आई लव 90s पॉप सॉन्ग्स, एंड मे बी हम 90s में बड़े हुए हैं तो उस जॉनर से एक लगाव है। अपने घर से सेट तक का रास्ता तय करते हुए सना ने हमें अपनी लाइफ और अपने नए सीरियल कृष्णदासी के बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे कोई बहुत आसानी से सरल सा रोल नहीं मिला, अब आराध्या इन कृष्णदासी। शादी के दौरान मुझे लगा कि मे बी आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, मैं अपनी सारी चीज़ों से अभी फ्री हूँ, मैं अभी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, मैं अब लेती हूँ एक डेली सोप जो नीट में होगा। लेट्स टेक इट अप एंड लेट्स सी कहाँ जाता है ये। तो अभी कृष्णदासी की तो बस शुरुआत है, बहुत मेहनत हम कर रहे हैं इस कैरेक्टर में, मैं कर रही हूँ, बाकी सारे लोग तो हैं ही ब्रिलियंट, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। कोक तुम्हारी तुम्हारी पिता कौन पिता कौन पिता विधाता विधाता और आखिरकार हम पहुँच गए कृष्णदासी के सेट पर जो है मुंबई के मीरा रोड इलाके में। सना ने गाड़ी पार्क की और सीधा पहुंची अपने मेकअप रूम में, जहां उन्हें आज सना से बनना है आराध्या। आराध्या पूना के एक देवदासी परिवार से है, लेकिन वो आज की लड़की है और हाँ उनका लुक बहुत ही खास है। जरा देखिए तो कैसे होता है आराध्या का श्रृंगार। ऐसे सना के नए नक्श बदल गए, बदल गया उनका हेयर स्टाइल और वो बन गई आराध्या।
अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस रखना चाहती हूँ, रखती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर ऐसा होता है मैं बहुत दिल से भी फैसले ले लेती हूँ। आराध्या भी लेती है, दिमाग भी चलाती है, लेकिन अभी इस वक्त उसने दिल नहीं चलाया था, नहीं तो आर्यन के साथ अभी तक उसका अफेयर शुरू हो जाता। बट शी वॉन्टेड टू बी विथ हर फैमिली एंड शी गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू हर फैमिली। मैं भी अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। सो या, क्वाइट लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। आज सीरियल कृष्णदासी में आराध्या को एक थोड़ा संजीदा सीन देना है। वो फोन पे किसी से बातें कर रही हैं। इसके बाद आराध्या ने हमें मिलाया अपने को स्टार आर्यन से, यानी श्रवण रेड्डी से, जो कृष्णदासी में आराध्या के हमसफर बने हैं। लेकिन पर्दे के पीछे सना और श्रवण अच्छे दोस्त हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ये पता नहीं वाना डिली तो हम कर रहे हैं, उसके बाद भी आरजेइंग कर रही है, फिर उसके बाद शादी हुई है तो उसकी भी पता नहीं उसके। हां बोलने दो ना। अगर अंदर मस्ती होगी भी, वो शैतानी है थोड़ी, आंखों में बदमाशी है, लेकिन वो निकल के अभी तक बाहर नहीं आई। अभी हमको 2 महीने हुए कृष्णदासी शूट करते हुए, तो हो सकता है आगे जब हमारे शेड्यूल्स होपफुली रिलैक्स्ड होंगे, दामिनी के साथ करता हूँ मस्ती। गन होती है वैसे। हमारे सेट में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम कामिनी होते होते दामिनी रह गया। अच्छा ऐसा क्या? मुझे नहीं पता। शूटिंग और मस्ती के बाद हो गया लंच का वक्त और सना ने हमें दिखाया कि आखिरकार वो अपने डब्बे में आज क्या लेकर आई हैं। तो देखते हैं कि सना के लंच के डब्बे में आज क्या है। लंच के बाद फिर से शूटिंग शुरू हुई और यहाँ पर सना ने हमें बताया कि उनका कैरेक्टर आराध्य और एक देवदासी की बेटी का रोल निभाना कितना मुश्किल है। मुझे बहुत दिक्कत होती ग्रामर में, मराठी में, कि मैं कैसे मी ये ते हो तो कोई भी बोल लेता है, बट कुछ कुछ होता है मैं जैसे बीच बीच में बोलती रहती हूँ गाई, तो वो एक टोन पकड़ना और डिफ़िकल्ट। हाँ कभी कभी बहुत सीरियस सीन्स होते हैं तो मुझे थोड़ा, पहली बार मैं गुस्सेल कैरेक्टर भी कर रही हूँ, कभी कभी मैं गुस्से वाली हो जाती हूँ एकदम, आर्यन को टशन लुक, ये टशन वाले लुक्स मैंने कोई शो में अभी तक दिए नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा वर्क करती हूँ। इसी के साथ सुबह से लेकर शाम तक, यानी ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का हमारा सफर हुआ खत्म और इसके साथ सना के साथ हमने की दिल की बातें। आज सास बहू और बेटियां के साथ अपना पूरा दिन बिता के कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। ये प्रिटी सी हमारी लतिका, ये हमेशा जब भी सेट पे आती है मैं हमेशा उसके कपड़े देखती रहती हूँ, बहुत क्यूट क्यूट कपड़े पहन के आती है, एंड आई ऑलवेज टेल यार दे दे मुझे तेरे कपड़े, दे दे। तो लतिका के साथ और दादा के साथ टाइम बिता के, आप लोगों ने मेरे साथ टाइम बिताया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको भी ये डे आउट अच्छा लगा हो, एंड आज तक इज ऑलवेज स्पेशल, और थैंक यू सो मच मेरे साथ डे आउट मनाने के लिए। आई होप कि आपको हमारा बिजी शेड्यूल, इनफैक्ट आज काफ़ी रिलैक्स डे मिला मुझे आज तक के साथ और शूट के साथ बैलेंस करते हुए, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। अच्छा अपने फैंस को क्या बोलोगी, अपने जो आपकी जो सिर्फ आवाज़ सुनते हैं लेकिन आजकल उनको आपको देखने का मौका भी मिल गया इतने सालों से, तो क्या कहोगी उन्हें? उन्हें भी और जो टीवी पे देखते हैं उन्हें भी यही कि कृष्णदासी देखिए, रात 10:30 बजे से लेकर हम 11 बजे तक आते हैं कलर्स पर, एक बहुत डिफरेंस सा शो है। फिलहाल तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रहे हैं आपको सास बहू, ये फिलहाल मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके ऊपर है, अगर आप इस शो को ऐसे पसंद करेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अलग किस्म का ड्रामा क्रिएट करें तो फिर हम शायद उस रुख में कभी चले जाएं, शायद, बिकॉज टेलीविजन इसी तरह से काम करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमने एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट को छुआ है और बहुत अलग तरीके से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसको इसी तरह से पसंद करें, बिकॉज हमने स्क्रिप्टिंग वाइज, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, क्रिएटिव वाइज, स्टाइलिंग वाइज, हर तरह से हमने बहुत इनपुट्स हमारे सबके हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको सजा कर एक एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते हैं, पेश करते हैं। आई होप कि यू गाइज लाइक इट। तो उम्मीद करते हैं कृष्णदासी की आराध्य यानी सना के साथ पूरा दिन बिताकर आपको उनके बारे में कुछ खास चीजें पता चली होंगी। तो अगली बार आप कृष्णदासी देखें तो सना को याद कीजिए और उनकी लाइफ के उन छोटे बड़े पलों को जो सास बहू और बेटियां ने खास आपके लिए लाने की पूरी कोशिश की है। मुंबई से रतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।